हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर बेटर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज स्टोन एज स्टोन टूल्स, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क। स्टोन एज टूल्स, सो लेट स्टार्ट नाउ। 6.1 इज टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स according to the type of task. If we saw a shiny object buried in the ground, what would we do to take it out? Perhaps we would scrape it out with our fingers. If that did not work, we might try to dig it out with a twig or a stick. If that too did not work, we would have to look for a pointed stone that should do the job. But if it still does not, then we would have to get an iron rod to dig that shining object out. This shows that we need to choose the tool according to the demand of the task. स्टूडेंट्स, अगर हमने कोई शाइनी ऑब्जेक्ट देखा है ग्राउंड के नीचे, तो आप क्या करोगे उसे बाहर निकालने के लिए? पहले तो हम फिंगर से ट्राई करेंगे, ओके? ज़मीन को खोदने के लिए ट्राई करेंगे या फिर इसकी मिट्टी निकालने का काम करेंगे। अगर ये काम नहीं करता है, अगर हमें पता चल रहा है कि हमारे फिंगर से हम मिट्टी को नहीं निकाल सकते, उस ऑब्जेक्ट को बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम किससे खोदना स्टार्ट करेंगे? ट्विग या कोई स्टिक हमें ग्राउंड में जैसा हमें नज़र आती है तो हम इससे खोदना स्टार्ट करेंगे। अगर स्टिक से भी काम नहीं होता है, स्टिक जो है लकड़ी, वो आपकी बार बार टूट जा रही है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पॉइंटेड स्टोन को ढूंढेंगे और इससे ट्राई करेंगे, ओके? अगर हम पॉइंटेड स्टोन से भी कर रहे हैं तो भी ज़मीन को हम खोद नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम आयरन रॉड कहीं पर मिल रहा है तो हम उसे लाएंगे और खोदना स्टार्ट करेंगे और उस शाइनिंग ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ओके? तो यहाँ पर हमने जो टूल्स यूज़ करें तो ये किसके अकॉर्डिंग करें? जैसे डिमांड थी सबसे पहले, तो हमने फिंगर से ट्राई किया, ओके? जब फिंगर से नहीं हुआ तो हमने स्टिक को यूज़ किया। स्टिक टूट जा रही थी बार बार, तो हमने पॉइंटेड स्टोन को ढूंढा। फिर इसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा था तो हमने आयरन रॉड को लेकर खोदना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जैसे हमारी डिमांड बढ़ती गई एक चीज़ से, अगर एक ऑब्जेक्ट से हमारा काम नहीं बन रहा है तो हमने दूसरे उस पर यूज़ किया। मीन्स जैसे डिमांड थी तो हमने क्या किया? टूल्स को चेंज किया, ओके स्टूडेंट्स? द फॉलोइंग फोर फैक्टर्स डिटरमाइन आवर चॉइस ऑफ टूल्स। तो जो यहाँ पर फोर फैक्टर्स दिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते? हमारे टूल्स की चॉइस करते, ओके स्टूडेंट्स? नाउ फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं तो उसे ही यूज़ करते। जितने सारे टूल्स की अवेलेबिलिटी है तो हम उसे ही यूज़ कर सकते हैं, ओके? नाउ सेकंड इज मिनिमल यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, तो हम कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे जिससे हमारा टाइम बचे और जिससे हमारी एनर्जी बच सकती है? तो हम ऐसे टूल्स को सबसे पहले यूज़ करते हैं, ओके? नाउ थर्ड इज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी। जिन टूल्स की वजह से हमारा काम इजी हो रहा है तो हम उसे ही पहले चूज़ करते हैं, ओके? नाउ फोर्थ इज़ स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज़ एक्वायर्ड
थ्रू प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टूल्स हैं उसको हैंडल करने का तरीका अगर पता है हमें और हमारी प्रैक्टिस है किसी एक टूल्स को हैंडल करने की, तो हम क्या करते, सबसे पहले उसी टूल्स को हम यूज़ करते जिनका हमेशा यूज़ होता, या फिर हमारी प्रैक्टिस है कि हाँ ये टूल हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो उसी को हम सबसे पहले चूज़ करते। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको नीचे एक बॉक्स दिख रहा है ना, उस बॉक्स में कुछ टूल्स भी हैं। तो ये सारे जो टूल्स आपको दिख रहे हैं वो कैसे बने हुए हैं, स्टोन से और बोन्स से। ओके, तो जो फर्स्ट वाला टूल है, ओके, अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पैबल, तो जो फर्स्ट वाला है वो चॉपर है, ओके, और वो पैबल से बना हुआ है। नाउ सेकेंड इज़ अ स्क्रैपर, थर्ड अ सर्क्यूलर हैमर स्टोन। और स्टूडेंट्स, जो थर्ड वाला है अ सर्क्यूलर हैमर स्टोन, हैमर की तरह यूज़ करते थे वो लोग, ओके। नाउ फोर्थ इज़ अ चॉपर मेड फ्रॉम अ फ्लेक ऑफ स्टोन। स्टूडेंट्स, अभी जो फोर्थ वाला है ये चॉपर है और ये स्टोन के फ्लेक से बना है, ओके। नाउ फिफ्थ इज़ अ बोरर मेड फ्रॉम अ बोन। स्टूडेंट्स, अभी जो फिफ्थ वाला है ये किससे बना है, ये बोन से बना है, ओके। नाउ सिक्स इज़ एन एंटलर यूज्ड एज अ पीक, इसको एंटलर की तरह यूज़ किया जाता था, ओके। एप्स लाइक द चिंपांजी ऑल्सो यूज स्टोन्स टू ब्रेक सीड्स एंड नट्स, दे यूज स्टिक्स टू स्टीयर द एंट्स आउट फ्रॉम एंट हिल्स टू कैच दैम। ह्यूमंस टू हैव ऑलवेज बीन यूजिंग टूल्स सच एज बोन्स, स्टोन्स, ड्राइड ट्विग्स एंड स्टिक्स एज टूल्स। स्टूडेंट्स, जो एप्स थे, चिंपांजी जो थे, वो क्या करते थे, वो स्टोन्स को किस लिए यूज़ करते थे, सीड्स को या फिर नट्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते थे, ओके। तो ये क्या करते थे, एंट्स हिल जो होता है ना उसमें एंट्स हैं, तो क्या करते थे, उसको यूज़ करते थे, स्टीयर करते थे, स्टिक से हिलाते थे। तो उसके कारण क्या होता था, जो एंट हिल्स में एंट थे वो बाहर आते थे और उनको क्या करते थे, वो कैच करते थे। तो ह्यूमंस हमेशा जो टूल्स बनाए थे तो वो किससे बनाए थे स्टूडेंट्स, बोन्स को यूज़ करते थे, स्टोन्स को यूज़ करते थे, ड्राइड ट्विग्स एंड स्टिक्स जो थी वो उसे एज अ टूल्स यूज़ करते थे, ओके। With continuous and minute observation, experimentation and their inborn imagination, humans learned that they could sharpen rods, bones, sticks and stones into tools to carry out their task more efficiently. They also learned that they could give these objects any shape they desired. स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो कंटिन्यूसली या फिर ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्हें कुछ समझ में आ रहा था कि नहीं, अगर स्टिक यूज़ नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर बोन्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टोन्स का यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स एक चीज़ का यूज़ करने के बाद उन्हें समझ में आ रहा था कि नहीं, इसके बदले में हम दूसरी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो क्या करते थे, इन सब चीज़ों से वो सीखते थे। फिर उन्होंने क्या बनाया, शार्पन रॉड्स, बोन्स, स्टिक्स एंड स्टोन्स इनटू टूल्स टू कैरी आउट दैट टास्क मोर इफ़िशेंटली। तो शार्पन रॉड से या फिर बोन्स से, स्टिक्स से, स्टोन्स से, तो इससे उन्होंने अपने टूल्स, हथियार बनाना स्टार्ट किया था, ओके। और जहाँ पर इन्हें ज़रूरी होता था तो वो उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते थे स्टूडेंट्स, यूज़ करते थे।
तो उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी थी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स थे उनके पास, तो उनको वो क्या कर सकते थे, शेप, वो अपने तरीके से उन्हें शेप दे सकते थे. ओके, इन द प्रीवियस लेसन वी सॉ दैट स्टोन टूल्स वर फाउंड विद द रिमेन्स ऑफ होमो हैबिलिस. वी कैन से दैट ही मेड दैम बिकॉज दे वर फाउंड नियर हिज रिमेन्स. बट डिड ही मेक ओनली स्टोन टूल्स? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, बिकॉज ही मेड टूल्स फ्रॉम अदर मटेरियल्स एज वेल. स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने ऑलरेडी देखा है कि होमो हैबिलिस जो थे उनके पास स्टोन टूल्स फाउंड हुए थे. ओके, उनके रिमेन्स के साथ, तो इसी से पता चला था कि होमो हैबिलिस क्या करते थे, स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे. ओके, तो हमें कैसे पता चला कि होमो हैबिलिस स्टोन के टूल्स को यूज़ करते थे? बिकॉज जो टूल्स थे वो इनके साथ ज़मीन के नीचे से मिले थे. ओके, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो सिर्फ स्टोन से बने टूल्स ही यूज़ करते थे? नहीं, तो उन्होंने अदर मटेरियल्स भी यूज़ किया होगा, बट उनके साथ में हमें सिर्फ स्टोन टूल्स ही मिले थे. ओके स्टूडेंट्स, However, of the tools made by humans thousands of years ago, only the stone tools can be found today. Tools made from bone are rarely found, but since twigs and sticks decompose easily, we do not find any tools made from them. Students, thousands of years ago पहले उन्होंने टूल्स बनाए थे. ओके, उन्होंने स्टोन से बनाए थे. जो स्टोन वाले टूल्स थे वो हमें आज मिले, जो बोन से बने वाले टूल्स थे वो हमें रेयरली मिले, बहुत कम प्लेस पर मिले. जैसा कि हमने देखा कि वो ट्विक्स को और स्टिक्स को यूज़ करते थे टूल्स बनाने के लिए, लेकिन हमें वो मिले नहीं, बिकॉज हमें पता है कि ट्विक्स एंड स्टिक्स क्या है, ज़मीन के नीचे ईजीली डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, और इसीलिए हमें स्टिक्स से बने जो टूल्स थे वो नहीं मिले. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. गुड बाय.